नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह बीबीसी दुनिया, मैं हूँ समरा फातिमा। फिर भी बोला कि जाओ रिपार्टीशन का कागज लाओ, तो इधर कब आया है? हम बोले हमारा मकान जल गया तो हम कहाँ से लाए? पाकिस्तान में बांग्लादेश से आए बिहारी समुदाय के लाखों लोगों के राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द, दशकों बाद भी इस समुदाय को स्थायी पहचान की तलाश। सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के गढ़ों को कुछ महीने में लिया जा सकेगा घेरे में, अमरीकी रक्षा मंत्री का दावा। तुर्की भी सीरियाई सीमा पर चरमपंथियों पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार। एयर चाइना ने अपनी मैगजीन में छपे रंग भेदी लेख के लिए माफी मांगी। लंदन जाने वाले यात्रियों को भारतीय, पाकिस्तानी और काले लोगों की आबादी वाले इलाकों में जाने पर सावधान रहने की दी गई थी सलाह। हाथी दांत तस्करी के चलते पिछले 10 सालों में एक तिहाई घट गई अफ्रीका में हाथियों की संख्या। अब हाथियों पर लोकेशन ट्रैकर फिट कर रखी जा रही है नजर। और इंडोनेशिया के एक बुजुर्ग हो सकते हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान। दस्तावेजों के हिसाब से 1870 में हुआ था जन्म, पर इसकी पुष्टि करना आसान नहीं। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। पाकिस्तान में राष्ट्रीय पहचान पत्रों की जांच अभियान के बाद कराची में लाखों बिहारी प्रवासियों के पहचान पत्र रद्द कर दिए गए हैं। बिहारी समुदाय के ये लोग बांग्लादेश के गठन के बाद पाकिस्तान आए थे। इन लोगों को जनरल जियाउल हक के कार्यकाल में पहचान पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इस अभियान के बाद इन लोगों के कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। इन लोगों की मुश्किलों के बारे में पता लगाया बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल ने। अली हसन 22 साल पहले बांग्लादेश से कराची आए थे। 21 साल तक वो राष्ट्रीय पहचान पत्र के साथ पाकिस्तान के नागरिक रहे, लेकिन पहचान पत्र की मियाद खत्म होने पर उनकी नागरिकता भी जाती रही। फिर भी बोला कि जाओ रिपार्टीशन का कागज लाओ, तो इधर कब आया है? हम बोले हमारा मकान जल गया तो हम कहाँ से लाए? ना हमारा बाप दादा है, और ये तो हम इसी जगह का बना हुआ है, ये बावर मार्केट का बना हुआ है। तो फिर आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ? ये पुराना कार्ड पर आप लोग डेट खत्म हो गया, इस पर भी आप लोग दे नहीं रहे। कराची के इस इलाके में अधिकतर आबादी बिहारी लोगों की है। ये लोग बांग्लादेश के बनने के बाद यहाँ पहुँचना शुरू हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ के 60% शिनाख्ती कार्ड संदेहास्पद करार देकर बंद कर दिए हैं। साथ ही नौजवानों को नए कार्ड देने से भी इनकार कर दिया है। 1980 की दिहाई के दौरान लसानी फसादात के दौरान दो मरतबा इस कॉलोनी को नजरियाती किया गया। यहाँ के मकीनों का कहना है कि दीगर सामान के साथ उनके कागजात भी जल गए। बांग्लादेश के क्याम के बाद बिहारी कम्युनिटी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद किया गया, लेकिन उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ कराची में आकर आबाद हुई। यहाँ के बाशिंदों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के समय पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। हमें टिक्का खान साहब ने बोला कि ये बिहारियों को इसको फौज में लिया जाए, हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। हमने इसलिए साथ दिया उन पाकिस्तान का फौज का। भूखे ही समझे ट्रेनिंग किया, 3 दिन के बाद हम बॉर्डर चले गए, 9 महीने लड़ते रहे। उसके बाद हमें भुट्टो साहब ने यहाँ आने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे बिहारी हैं उनको पाकिस्तान लिया जाए। पहचान की बुनियाद पर भारतीय महाद्वीप का 2 बार विभाजन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का ये बिहारी समुदाय आज भी खुद को पाकिस्तानी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा है। और अब एक नजर डिजिटल दुनिया की हलचल पर। एयर चाइना ने अपनी मैगजीन में छपे एक लेख के लिए माफी मांगी है, जिसमें यात्रियों को चेतावनी दी गई थी कि वे लंदन के उन इलाकों में जाएं तो सतर्क रहें जहां भारतीय, पाकिस्तानी और काले लोग ज्यादा रहते हैं। लंदन के एक सांसद वीरेंद्र शर्मा ने चीनी एम्बेसडर को पत्र लिखकर माफी की मांग की है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सवाल जवाब के दौरान अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुतिन नेता के रूप में राष्ट्रपति ओबामा से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि रूस सीरिया में जारी हिंसा में ईंधन झोंकता रहा है, रूस को अब सही भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा अमरीका रूस को सीरिया में शांति लाने के मामले में एक और मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन अमरीका के सब्र की भी एक सीमा है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे हैं। तुर्की अमरीका के सहयोग से सीरिया में चरमपंथी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई किस हद तक चलेगी, इस बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की न्यूज रूम में तुर्की सेवा के एक सहयोगी से।
तुर्की की सीरिया में सैन्य कार्रवाई के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीबीसी तुर्की सेवा के एनेस सनेरदम। एनेस, सबसे पहले ये बताइए कि आगे आने वाले समय में तुर्की की सैन्य कार्रवाई का और कितना विस्तार हो सकता है? एक बात तो तय है कि तुर्की सीरिया में सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा ताकि वे सीमा से सारे आतंकी खतरों को मिटा सके, तथा कथित इस्लामिक स्टेट को और कुर्द लड़ाका समूह YPG को भी। हालांकि इससे अमेरिका के लिए परिस्थिति मुश्किल हो रही है, क्योंकि अमेरिका अब तक IS के खिलाफ लड़ाई में कुर्द लड़ाकों का साथ देता रहा है, लेकिन लगता है तुर्की का इन दोनों ही के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का इरादा पक्का है। तो अब तक तुर्की को अपने मकसद में कितनी कामयाबी मिली है? इस कार्रवाई के दो अहम मकसद हैं। पहला, सीरियाई सैनिकों की मदद से जुराबुलूस को आजाद कराना, जो कि हासिल किया जा चुका है। दूसरा, इस्लामिक स्टेट लड़ाकों को तुर्की की सीमा से दूर भगाना। अब जबकि उनका तुर्क सीमा से संबंध खत्म कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि तुर्की लड़ाई के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। अफ्रीका में हाथियों की संख्या पिछले एक दशक में एक तिहाई कम हो गई है। पहली बार पूरे महाद्वीप में हुए हवाई सर्वे में ये बात सामने आई कि लगभग 1.5 लाख हाथी मारे जा चुके हैं। बोत्सवाना, जहां अफ्रीका के 40% हाथी हैं, वहां भी हाथी दांत के तस्कर सक्रिय हैं। अब हाथियों में लोकेशन ट्रैकर फिट करके उनकी रक्षा करने की कोशिश की जा रही है। अफ्रीका के जंगलों पर 2 साल से चल रहे हवाई सर्वे से सामने आई तस्वीर काफी निराशाजनक है, और इसका मुख्य कारण है एशिया में हाथी दांत की लगातार बढ़ती मांग। हर साल हम करीब 30,000 हाथी गंवा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो 9 सालों में अफ्रीका में बस आधे ही हाथी बचेंगे। बोत्सवाना में अफ्रीका के 40% हाथी हैं। हाथियों की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि उनकी संख्या और मौजूदगी के बारे में सही सही जानकारी हो, इसीलिए उन्हें बेहोश कर उनमें सैटेलाइट ट्रैकिंग कॉलर फिट किए जा रहे हैं। ध्यान देना जरूरी है कि कहीं सूंड में रुकावट ना हो। कॉलर बड़ा होना चाहिए ताकि गर्दन पर GPS ट्रैकर लग सके। लेकिन ये शव इस बात का सबूत है कि अफ्रीका में हाथियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाला बोत्सवाना भी अब तस्करों से बचा नहीं है। और आज BBC शॉर्ट्स में देखिए, देखते देखते ढही इमारत, पुर्तगाल में आग से नुकसान, और यूरोप पहुंचे चीन के पारंपरिक लालटेन। ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंक्रीट इमारत को देखते देखते ढहा दिया गया। ये चिमनी कैंट के इलाके में 2012 से बंद पड़े एक पावर स्टेशन का हिस्सा थी, जिसे अब पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। पुर्तगाली अग्निशमन दल देश के कई हिस्सों में जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जूझ रहे हैं। विला पोका डी एगुआर नाम के शहर में कम से कम 15,000 हेक्टेयर इलाका जल चुका है। चीन का पारंपरिक लालटेन महोत्सव यूरोप पहुंचा। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 36 मूर्तियां 18,000 LED लाइट्स के जरिए जलाई गईं। इन्हें बनाने में 20 टन बांस और स्टील और 25 किलोमीटर लंबे रेशम का इस्तेमाल किया गया। इंडोनेशिया में एक बूढ़े व्यक्ति का मानना है कि उनका जन्म 1870 में हुआ था। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब होगा कि उनकी उम्र 145 साल है। हालांकि इसकी पुष्टि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडोनेशिया में जन्म का रिकॉर्ड साल 1900 में ही शुरू हो पाया था। इंडोनेशिया के अम्बाह गोथो को लगता है वे दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान हैं। उन्होंने अपने 10 भाई बहनों, 4 बीवियों और अपने सारे बच्चों को दुनिया से जाते देखा है। अब उनके पोते उनका ख्याल रखते हैं, जो कहते हैं कि उनके दादा अब भी जमकर स्मोकिंग करते हैं। दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि 31 दिसंबर 1870 लिखी है, मगर इंडोनेशिया में जन्म का रिकॉर्ड साल 1900 से दर्ज किया जाना शुरू हुआ, और पहले भी गलतियां होती रही हैं। लोग बताते हैं उनकी याददाश्त अच्छी है और वो पुराने समय की काफी कहानियां सुनाते हैं। उनके पोते बताते हैं वे कभी भी कोई खास खाना या कोई खास चीज नहीं मांगते, मांगी तो बस एक ही चीज, उनकी कब्र। एम्बागो तो कहते हैं, मैं और जीते नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने अपने कब्र का पत्थर मंगवा लिया कि जब मैं आंखें मूंदूं तो सब तैयार रहे। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए BBC दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।